था दी कैमरा वाज जस्ट गोइंग राउंड एंड राउंड और जैसे वो गोल घूम रहा है ना वो बंदा बड़ा हॉट से हॉटर से हॉटेस्ट बन रहा है मतलब लेडीज का तो तीन घंटे का नयन सुख था वो अरे लेडीज की नयन सुख की बारे में बात हो रही है बेशर्मो वेलकम दिस इज ए डॉली दिस इज ए रमेश वेलकम टू लाइट्स कैमरा दिस इज ए डॉलीवुड

भाग मिलखा भाग वज ए डैम स्लो फिल्म मतलब फिल्म का नाम रख देना चाहिए तो चाल मिलकर अभी निकल क्या चल रहा है लगा रहे। और आप तो आते हो डॉलीवुड अपने फिल्म की रिलीज के पहले ना फिल्म की स्टोरी लीक हो गई थी बट फर्क क्या पड़ता है क्योंकि द फिल्म तो वॉज बेस्ड ऑन रियलिटी ना बट यू नो तीन घंटे की फिल्म तीन घंटे का रनिंग मेरा मतलब तीन घंटे का वॉकिंग टाइम मैं तीन बार बाथरूम होके आई हूँ कि नहीं इसलिए तीन बार जाके कन्फर्म करना पड़ा शायद वो ही था फिल्म का सबसे बड़ा लीक hey! लेकिन लेडीज जैसा मैं पहले कह रही थी फरहान अख्तर दी बॉडी hey! <laughs> oh! मतलब अगेंस्ट स्किन की भाई हाई सब कुछ मसल से भर दिया हम पे जाएंगे पता है मतलब स्कूप में ये भी आया था कि फरहान अख्तर ने दिन के 2500 क्रंचेस किए स्टमक वाले 2500 क्रंचेस मैं तो सोच रही हूँ इतने सारे क्रंचेस नेस्ले के फैक्ट्री में भी नहीं बनते जितने इसकी बॉडी पर बने हैं सोनम कपूर थी फिल्म की हीरोइन भाई मतलब रोल उसका काफी छोटा था मतलब सोनम कपूर के वर्सेस ना लगता है फरहान अख्तर की गंजी से ज्यादा काम निचोड़ा है फिल्म मेकरो ने और सोनम कपूर कहते ना कि उसने ये फिल्म बिना पैसे ली की हुई है मतलब ऑब्वियसली देने को पैसे तैयार नहीं थे तो लेने का क्या मतलब बनता है उसके मतलब रिज्यूम में इंटर्नशिप एरिया में बहुत अच्छी लगेगी ये फिल्म हाँ अखबारों में रिसेंटली आया था मिल्खा सिंह जी ने ना अपनी फिल्म की राइट्स की स्टोरी ना सिर्फ फिल्म मेकरों को एक रुपए में बेची है मतलब इतना तो दाम बूमर का भी नहीं है और फिल्म तो ऐसी निकली कि मतलब बूमर का फ्लेवर ना फिल्म के फ्लेवर से कहीं ज्यादा लास्ट होता है, है ना देखा ना आप तो भूमर नहीं खाते दांत कौन से हैं आपके लेकिन तो बड़े जेनरस हो रहे थे जब मिल्खा सिंह जी ने उनकी बहुत मदद की शूटिंग वुटिंग ऑडिटोरियम परमिशन वर्मिशन के लिए तो उन्होंने कहा कि भाई मिल्खा सिंह जी हमारी फिल्म का जो दस परसेंट प्रॉफिट होगा ना हम आपकी स्पोर्ट्स फाउंडेशन ट्रस्ट में देंगे टाइम हो गया फिल्म को लेकिन अभी तक तो पैसे नहीं आए लगता है बॉलीवुड की प्रोडक्शन में हर काम करने वाले इंसान की तरह उनको भी पैसों के पीछे भागना पड़ेगा कोई बात नहीं उनको तो भागने की आदत है <laughs> तो फ्रेंड्स डॉलीवुड की रेटिंग फॉर भाग मिल्खा भाग आउट ऑफ फाइव स्मूज़ेस, फाइव स्मूजेज यानी कि वन स्मूज सिंह जी बिकॉज उनकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग वाली हुई है वन स्मूज फॉर फरहान अख्तर क्यूँकी ओ मैं गॉड उसकी बॉडी देखी मेरे को अभी तक मतलब थोड़ी गर्मी सी लग रही है वन स्मूज फॉर रनिंग मतलब कितनी अच्छी एक्टिविटी है ना रनिंग मतलब लोग भागते हैं उनको कोई मतलब बैट बॉल कोई जरूरत नहीं होती कहीं पे भी कर सकते हो एंड वन फॉर चैरिटी क्योंकि चैरिटी करना कितना अच्छा काम है वन स्मूज फॉर बॉलीवुड के बेचारे प्रोडक्शन वाले जो पूरी जिंदगी अपनी सैलरी के पीछे भागते रहते हैं भागते रहते हैं भागते रहते हैं फ्रेंड्स दैट वॉज अवर रिव्यू ऑफ द भाग मिल्खा भाग माई सेल्फ इज अ दिस इज ए रमेश यू आर वॉचिंग दॉलीवुड होप वी ऑल फाइंड अवर हैप्पी एंडिंग बड़ी जेलसी हो रही है मैंने हॉट बंदा क्या दिया तो नो यू आर फीलिंग वेरी मच अफेंडेड क्या अरे आप ही सबसे क्यूट हो ठीक है आप भाग नहीं सकते लेकिन उसकी तरह बॉडी देखी उसकी आप पता नहीं कैसे दुपट्टा लेके घूम रहे हो शर्म करो डोंट फॉरगेट टू कमेंट सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर फॉर मिल्खा सिंग वेरी मच हॉट बॉडी आई मीन सॉरी फरहान अख्तर वेरी मच हॉट बॉडी मैं अपने आप को बड़ा लकी समझती हूँ और यही लक आजमाने आई हैव कम टू द बॉम्बे टू वर्क इन दॉलीवुड इमोशनल uh, अत्याचार के पांच एपिसोड में मैंने सीक्रेट एजेंट का काम किया था